हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरीगोल्ड का प्लांट है। बहुत बार क्या होता है कि आप प्लांट का जो सीड वगैरह पॉट में रख देते हैं या खाद बनाने के लिए, तो उसी में वो जो है नया नया प्लांट बन जाता है। ये देख सकते हैं पिटूनिया वगैरह जो है कटिंग करके लगा हटाते जाइए, जो जो पुराना प्लांट है तो फंगस लगने का डर होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग जब फ्लावर जो खिल जाता है तो पॉट में डाल देते हैं या कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। तो देखिए कितना मेरे गार्डन में इसका आपको निकला हुआ है। ये कॉस्मोस है, पिटूनिया भी आपको बहुत जगह जगह पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉपी सीड गिर जाता है, फिर उसी से प्लांट बन जाता है। आप लोग से एक बार पूछे भी थे कि किस चीज़ का प्लांट है, मेरा पॉट में बहुत सारा प्लांट निकल गया था, तो ये स्टॉक का प्लांट है। फिर जब हम स्टॉक का प्लांट खरीदे हैं, देखिए इस तरह से, तब मुझे लगा कि अच्छा ये तो मेरे पास जो है स्टॉक का प्लांट, इसका पत्ता देख करके। तो चलिए वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्टॉक का प्लांट मेरे गार्डन में निकला हुआ। और ये जो देख रहे हैं ये कॉर्न फ्लावर है, ये भी देख सकते हैं फ्रेंड, एक बार ला करके लगाए थे नर्सरी से। तो ये एक दो तीन प्लांट और भी है जिसको कल ही परसों रिपोर्ट किए हैं। ये भी खुद से निकल जाता है गार्डन में, मेरा जो भी पॉट उठ है उसमें निकल जाता है, तो उसको भी अलग अलग करके लगा दिए। ये तो दोनों खरीदा हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं स्टॉक का प्लांट है। इधर डहेलिया देख सकते हैं, कटिंग कर करके लगाते गए हैं, बहुत सारा डहेलिया कटिंग करके लगाए हैं और सब में लग भी गया है। थोड़ा सा देखभाल उतना नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपको गार्डन थोड़ा मेरा अजीब सा लग रहा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा प्लांट जो है निकल गया है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये जितना भी है स्टॉक का प्लांट है। जब इस प्लांट को हम जब खरीदे तब देखें कि अच्छा ये तो प्लांट किसी चीज़ का है, तो देख रहे हैं कि इसका स्टॉक का प्लांट जैसे इसका पत्ता है। तो देख सकते हैं ये जितना भी 15-16 प्लांट लगा हुआ है, एक पॉट में भी है, इसमें भी है, एक दो गिरा हुआ सीड और एक दो और भी पॉट में लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कुछ दिन इसको निकाल देते तो मेरा इतना प्लांट जो है ख़त्म हो जाता। तो और भी प्लांट आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे सीड बन जाता है, एक क्रैनबेरी हिबिस्कस का है, ये सीड बन गया है। तो कई बार जो है ये सीड जो खुल जाता है तो इसी में गिर जाता है। देखिए इस तरह से ये बहुत ज़्यादा चुभता भी है। तो जैसे देखिए ये सीड ये है खुल गया है, जिसका जो है सीड फ्लावर पॉट में गिर गया होगा तो फिर पीछे अगले साल निकल जाएगा। इस तरह से कर करके सीड्स भी रखते हैं और सीड्स जो गिर जाता है वो निकल जाता है तो उसको भी लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें स्टॉक का प्लांट लगा हुआ है। और आपको दिखा देते हैं इधर भी, देखिए सब अच्छे से चल रहा है मेरा बर्बीना वगैरह सब। डहेलिया में भी बर्ड्स बन गया है, देखिए सभी में बना हुआ। ये येलो कलर का खिलेगा लगता है और यहाँ पर मैरून कलर का है, ये देख सकते हैं सभी में बर्ड्स अच्छे से बना हुआ है। यहाँ भी देखिए एक स्टॉक का प्लांट इसमें भी निकला हुआ, देखिए इधर भी पॉपी निकला हुआ है। और ये कॉस्मोस पिटूनिया तो खैर मेरे पास इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हटाना पड़ता है बहुत सारा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये कुछ सिनेरिया का प्लांट दिख रहा है। इसका पत्ता देखने से तो सिनेरिया जैसा ही लग रहा है, हो सकता है पिछले साल लगा हुआ हो इसी पॉट में जिसका सीड गिरा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग बताइएगा जरूर, क्योंकि सिनेरिया का भी प्लांट नया लिए हैं तो इसका हमको पत्ते से लग रहा है कि उसी का प्लांट निकला हुआ है। तो इसको भी छोड़ देंगे, अभी नहीं हटाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, अगर इसका पत्ता सिनेरिया जैसा लगेगा तो इसको रख लेंगे, नहीं तो फिर हटा देंगे। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड। कभी भी प्लांट को और पॉट को अगर गुड़ाई करते हैं तो थोड़ा ध्यान दे करके, कई बार उसमें सीड वगैरह जो गिर जाता है तो नया नया प्लांट भी बन जाता है, तो इस तरह से ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।